अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लैक्सीन पाउडर से एक कबूतर का ट्रीटमेंट करेंगे। जो कबूतर सुस्त हो जाते हैं, बुखार आ जाता है और चंगा छोड़ लेते हैं दोस्तों, और कोने में बैठ जाते हैं सुस्त होकर, दाना बराबर नहीं खाते हैं, तो ऐसे कबूतरों को दोस्तों हम किस तरीके से लैक्सीन पाउडर से ट्रीटमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये गिरेबाज तांबड़ा पट्ठा है, बहुत प्यारा पट्ठा है दोस्तों, मगर अब ये सुस्त हो गया है, थोड़ा बीमार हो गया है और बीट भी ग्रीन कलर की कर रहा है, तो मैं इसको अलग पिंजरे में निकाल लिया हूँ ताकि दूसरे कबूतरों को इसकी बीमारी ना लगे दोस्तों। और हम इसका इलाज अब अलग पिंजरे में रख कर ही करेंगे, और जब भी कोई कबूतर बीमार दिखता है दोस्तों या सुस्त दिखता है तो हम उसको अलग पिंजरे में कर लेना है, और उसका ट्रीटमेंट कर जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो हम फिर से वो कबूतरों के साथ में इसको छोड़ सकते हैं। जब तक हम अलग ही रखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये लैक्सीन पाउडर की पैकेट है, ये 20 ग्राम की एंटीबायोटिक पाउडर है। ये इसको हम कई बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बुखार आ गया है या सर्दी हो गई है कबूतर को, या मोशन सही नहीं कर रहा है, तो हम ये पाउडर को इस्तेमाल करेंगे तो कबूतर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और इसका इस्तेमाल हम महीने में 3 दिन करेंगे तो कबूतर सेहतमंद रहेंगे, फिट रहेंगे दोस्तों। और अब हम ये 1 लीटर पानी ले लेंगे, ये 1/2 लीटर का बॉटल में मैं पानी लिया हूँ, इसको हम 1 लीटर कर लेंगे। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये नए शौकीनों के लिए है, कबूतरों के जो नया नया शौक़ शुरू करे हैं, जिसको मालूमात नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। वो शौकीन ये देखकर वीडियो इलाज कर सकते हैं, जिसको जो मालूमात ज़्यादा नहीं है वो लोग इस मालूमात कर सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। ये देखिए, मैं 1 लीटर पानी ले लिया हूँ एक बर्तन में, और अब हम ये पाउडर इसमें मिक्स कर लेंगे, ये लैक्सीन पाउडर। और मैं चाय के 2 चम्मच लिया हूँ आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों, ये बड़ा चम्मच है और ये छोटा चम्मच है चाय का, तो हम ये छोटा चम्मच ले लेंगे। ये देखिए, मैं अब 1/2 चम्मच पाउडर ले लेता हूँ, 1 लीटर पानी में हम 1/2 चम्मच उतना पाउडर मिला लेंगे। ये देखिए, मैं 1/2 चम्मच उतना पाउडर ले लिया हूँ, ये देखिए 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ही है, ये छोटा चम्मच है चाय का। और हम ये पाउडर को दोस्तों 2 ग्राम भी 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कबूतरों को पिला सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम उतना पाउडर लेंगे, लेकर मिला लेंगे इसको। ये मिक्स हो गया है, और हम ये 2 ml सरंज भी लिए हैं कबूतर को पिलाने के लिए, जो बीमार कबूतर है उसको पिलाएंगे सरंज से, और जो हमारे पास अच्छे कबूतर है उन लोगों को भी हम ये पानी 3 दिन तक पिलाएंगे दोस्तों, ताकि ये जो बीमार कबूतर हुआ है उसकी बीमारी दूसरे कबूतरों को ना लगे और उनको कुछ भी जो भी इन्फेक्शन है वो भी इन्फेक्शन कम हो जाए दोस्तों। और जो बीमार पट्ठा है दोस्तों, उसको हम पकड़ कर पिला देंगे सरंज से। ये देखिए, ये सुस्त बैठा हुआ है पट्ठा, अब हम इसको पकड़कर सरंज से पिला देंगे जो हम पानी बनाए हैं लैक्सीन पाउडर का। ये सरंज से हम 1 ml उतना ले लेंगे, ये पानी जो हम मिक्स करें हैं लैक्सीन पाउडर का पानी,
ये देखिए 1 ml उतना लिया हूँ मैं ये, और अब हम ये धीरे धीरे पिला देंगे कबूतर को। और हम ये लेग्जिन पाउडर का पानी बनाकर 3 दिन तक पिलाते रहेंगे इसको। ये घर पट्टा है दोस्तों, बहुत अच्छी नस्ल का है ये। ये देखिए इसकी आँख तांबड़ा पट्टा है, आँख बिल्कुल वाइट है, और ये 1.5 पर का पट्टा है दोस्तों ये। ये देखिए 1 पर आ गया है उसका, और ये 2 पर आधा आया है अभी, यानी कि 1.5 पर का पट्टा है दोस्तों, बिल्कुल कम उम्र का पट्टा है अभी। अब ये दूसरे चंग का पर देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर भी 1 पर निकल गया है, आ गया है, और 2 पर आधा आया है अभी, 1.5 पर हुआ है, 1.5 पर का पट्टा है अभी, बहुत प्यारा पट्टा है। और अब मैं ये पट्टे को अलग ही रखूँगा दोस्तों, जब तक ये ठीक ना हो जाए। ठीक होने के बाद में मैं दूसरे कबूतरों के साथ में इसको छोड़ दूँगा, और जो पानी हम बचा हुआ है वो दूसरे कबूतरों के धाबलों में रख देंगे। और ये पानी हम 3 दिन तक रखेंगे दोस्तों।